मान व सम्मान के योग्य सरवखाप के प्रधान, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहने, सबसे पहले तो जो 26 तारीख को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को भारत आना था, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। ये आपके संघर्ष की, हमारे सारे किसान भाइयों की सबसे बड़ी जीत है। साथियों, किसान केवल अपने देश में ही नहीं, पूरी दिन दुनिया में किसानी करता है, और आज के दिन आपका संघर्ष, आपका आंदोलन पूरी दुनिया में मजबूत हो चुका है। और हमारे 56 भाइयों की शहादत हो गई, तो ये बताओ हम घर वापिस कैसे जाएंगे जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मोदी को यह सोचना चाहिए कि भाई पूरे देश का किसान नहीं, पूरी दुनिया का किसान हमारे इस आंदोलन के साथ जुड़ चुका है। गांव गांव में भी सारे किसान भाई जो अनाज खाता है इस आंदोलन के साथ जुड़ा है। 36 बिरादरी हमारे साथ खड़ी है, और प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी का प्रधानमंत्री ना बन के सारे देश का प्रधानमंत्री बने, हमारे किसानों का भी प्रधानमंत्री बने, और हमारे बारे में भी सोचे, और अपने जो ये तानाशाही रूप से जो ये कानून मरे सर पर लाद रखे हैं, इन वापिस लेने का काम करे। क्योंकि भाई मरतबूज का तो कानून बनाए नहीं, एसी रूम में कानून बना दिए। भाई मारे किसान किसाना के मेरे इतने भाई बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, इतने मारे किसाना के बेटे पढ़े लिखे हैं, आईएएस आईपीएस भी हैं, भाई कृषि विशेषज्ञ भी हैं, उनने बैठा के पूछते जो ग्राउंड लेवल पर खेती करे उनसे पूछते अगवाई क्यों करके कानून बनेगा, ये तो सारे पूंजीपतिया के हक में बना दिए। हम मोदी सरकार तो यह बताना चाहवा हा भाई के तो 8 तारीख ने जो यह वार्तालाप है, इसमें अपने जो ये कानून है पूंजीपतिया के, इन वापिस ले लो, नहीं तो हम बिल्कुल भी वापिस नहीं हटांगे। हम भाई विनोद प्रधान का भी बहुत बहुत हौसले का धन्यवाद करते हैं, भाई इन्होंने भी शुरू दिन थे भाई हमारे धनखड़ खाप के भी बैठे हैं, भाई कद्दन खाप के भी, एलावत खाप के भी, भाई सारी खापा के, सारे देश के 36 बिरादरी, पूरी दुनिया के किसान आपकी साथ हैं। आप हौसला रखियो, जीत आपकी होगी, और भाई हम शांति पूर्वक ढंगते चाहिए 9 महीने धरना चल जा, हमारी भविष्य की लड़ाई हम पीछे नहीं हटांगे। मोदी जी तो हम यह बताना चाहवा हा, जय जवान, जय किसान, जय मेरे काका हुआ की, जय मेरे लक्ष्मीबाई, जो हमारे किसान आंदोलन को, और भाई देखो कितने परेशान कर दिए, छोटे छोटे बालक भी, मेरी काकी ताई भी रोड पर बैठने मजबूर कर दी। 4 साल पक्ष है, जब समय आवेगा, जब तो प्रजातंत्र में आपके हाथ में होगी सारी बात, ये बात याद रखना बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद भाई दीपक। और अब राजू हैं।